सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M2 Pro, पोको M3, Redmi 9 Power, Redmi 9 Prime डिवाइस के अपकमिंग अपडेट के बारे में। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि उस अपडेट में आप लोग को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज, अगर आप भी हैं इन डिवाइस में से कोई भी डिवाइस के यूजर्स, तो यार वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यह लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोको M2 Pro डिवाइस के बारे में। तो गाइस, यह डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है जिसका वर्जन है MIUI 13.0.2.0 का। गाइस, अब आप लोग को एक अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है जिस अपडेट का वर्जन होगा MIUI 13.0.3.0 का। गाइस, ये जो अपडेट होगा वो सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट होने वाला है, जिस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहां पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो गाइस, ये अपडेट का फायर साइज आप लोग को 400 MB से लेकर 600 MB के अंदर में ही देखने के लिए मिलेगा। सो अगर हम बात करें कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, तो देखो यार, हो सकता है कि आप लोगों को ना मार्च महीना में यह अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, तो वो आता है यार पोको M3 का। गाइस, ये डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है इसका वर्जन है MIUI 13.0.1.0 का। गाइस, ये अपडेट के साथ में आप लोग को Android 12 का भी अपडेट देखने के लिए मिल गया था। सो गाइस, उसके बाद से कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस, अब आपके डिवाइस में बहुत ही जल्द एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है जिस अपडेट का वर्जन में भी होगा MIUI 13.0.2.0 का। गाइस, ये अपडेट के साथ में आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहां पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड गाइस, ये अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को कोई ज्यादा लंबा देखने के लिए नहीं मिलने वाला। फाइल साइज भाई यार 400 MB से लेकर 500 MB के अंदर में ही देखने के लिए मिलेगा। सो अगर बात करें कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, तो देखो यार, हो सकता है कि आप लोग को फरवरी महीना के एंड वीक में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो अगर हम बात करें यार नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, तो वो आता है Redmi 9 Prime का। गाइस, ये डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है इसका वर्जन है MIUI 13.0.3.0 का। गाइस, अब आप लोग को जो न्यू अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है जिसका वर्जन होगा MIUI 13.0.4.0 का। गाइस, ये जो अपडेट होने वाला है वो एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट होने वाला है। सो आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी छोटा मोटा बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। अपडेट का जो फाइल साइज है वही 400 MB से लेकर 500 MB के अंदर में ही देखने के लिए मिलेगा। सो अगर हम बात कर ले कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो देखो यार, आप लोगों को ना फरवरी महीना के इन वीक में अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पायलट यूजर्स के लिए अलर्ट रहकर अपडेट को आप चेक करते रहना। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, तो वो आता है Redmi 9 Power का। गाइस, ये डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है इसका वर्जन है MIUI 13.0.1.0 का। गाइस, ये अपडेट के साथ में आप लोग को Android 12 का भी अपडेट देखने के लिए मिल गया था। तो गाइस, ये अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस के यूजर्स को कुछ बग एंड इशू फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि यार हीटिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम एंड बैटरी ड्रेन का इशू फेस करना पड़ रहा है। सो गाइस, अब नेक्स्ट अपडेट जो देखने के लिए मिलने वाला है वो एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट होगा। इस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहां पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो गाइस, अगर बात करें कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, तो देखो यार, हो सकता है कि आप लोग को फरवरी महीना के इन वीक में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, आप किसी भी डिवाइस के यूजर्स है जो कि अभी आप लोग को हम बताए हैं उन डिवाइस में से, तो यार आप सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को आप चेक करते हैं ना, क्योंकि पहले जो अपडेट देखने के लिए मिलेगा वो पायलट यूजर्स को अपडेट देखने के लिए मिलेगा। उसके अप्रोक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट होता है। जब पायलट यूजर्स को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता तब जाके, सो इसी वजह से अपडेट को अलर्ट रहकर चेक करते रहना। एंड गाइस, ये सारे डिवाइस में फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट होगा तो यार आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।